Hope you all are good. Today I'm going to provide you a chapter, A Child's Thought. What is the meaning of a child's thought? Means एक बच्चे के mind की, कहते हैं ना, सोचना, क्या सोच रहा है वो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. Okay? It is written by Robert Louis Stevenson. Stevenson. First we'll read about him. Who wrote it? Robert Louis Stevenson, 1850-1894, was a Scottish novelist, poet, essayist and travel writer. He wrote popular books for children like Treasure Island and Kidnap that are still loved the world over. Okay. Robert Louis was born in Scottish. And he was a novelist, poet, and essayist and traveler writer. Traveler writer मतलब जिन्हें बहुत शौक होता है ट्रैवलिंग करने का और वो उसके बारे में लिखते हैं. उनकी सबसे पॉपुलर पोएम थी ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप, जो आज तक लोगों को बहुत पसंद आ रही है. लोग उसे प्यार दे रहे हैं बहुत सारा. इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ चिल्ड्रन, अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्स, 1885, इज़ वेल लाइक बाय अडल्ट्स टू. और जो बड़े लोग हैं उनको भी, उनको पसंद आ रही है एडल्ट्स को. A child's garden of verses. So he wrote many poems for the children's. It is one of them. A child's thought. Basically, this poem is related to dreams. As we went to the bed and we thought about something like it should be done in my life. कुछ इस तरह से हम सोचते हैं ना. तो इमेजिनेशन की जो दुनिया होती है, एक ड्रीमी जो दुनिया होती है, ये पोएम उस तरह की है कि एक बच्चा है, जब वो सोता है तो उसके माइंड में एक ड्रीम आ जाता है. उसके अंदर ना एक बहुत सुंदर सा सपना चलता है, जो कि बहुत प्यारी सी एक इमेजिनेशन है उसके सपने में. मतलब बेसिकली वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा, सोने के बाद उसको एक ड्रीम आया, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा प्यार से उस चीज़ को इंजॉय कर रहा है. रीड. सो ऐसे तो हम भी होते हैं ना, हमें भी सपने आते हैं. कभी हम कुछ सोच रहे होते, सोचते सोचते फिर हमें सपना आता है, हम कहते हैं आई विश ऐसा होता. तो उसी तरह से है ये भी, कि बच्चे की, जब बच्चा पहले सोता है, चीज़ों को देखता है और बहुत इन्जॉय करता है, उसके बाद जब उसकी, जब सुबह को वेकअप होता है, तो उसके बाद उसके सारे के सारे सपने टूट जाते हैं. उसे ऐसा लगता है जो सोचा था सब व्यर्थ हो गया, बकवास हो गया. ठीक है. सो स्टार्ट. एट 7 व्हेन आई गो टू बेड I find such picture in my head. जैसे ही 7 बजते हैं मैं सोने के लिए अपने बेड पे चला जाता हूँ. और कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं जा रहा सोने के लिए, लेकिन I find such pictures in my head. वो कहता है कि जैसे ही मैं सोने के लिए जाता हूँ, कुछ पिक्चर्स हैं जो तो मेरे दिमाग में, हेड में आ जाती हैं. ड्रीम बोलो, इमेजिनेशन बोलो, ठीक है, उसके दिमाग में आ जाती हैं. कैस्टल विद ड्रैगन प्राउलिंग राउंड. कस्टल हम किसे कहते हैं? कस्टल कहते हैं जैसे बहुत बड़े बड़े किले होते हैं ना, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ कस्टल. ठीक है, दिस इज़ अ कस्टल विद ड्रैगन ऑल्सो प्रेजेंट हेयर. ड्रैगन प्राउलिंग राउंड. वट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राउलिंग राउंड? मीन्स मूविंग क्वाइटली एज इफ लुकिंग फॉर अ प्रे. मतलब जैसे कोई धीरे धीरे चलना और अपने शिकार की तलाश करना, तो वो इस तरह से कर रहा है. तो ये उसकी इमेजिनेशन में आ जाता है कि वहाँ पे कैस्टल है विद ड्रैगन प्राउलिंग ग्राउंड. मतलब एक बहुत बड़ा सा किला बना हुआ है और एक ड्रैगन है वहाँ पर, जो इस तरह से अपने प्रे के लिए उस तरह से धीरे धीरे चल रहा है. उसके बाद नेक्स्ट इमेजिनेशन क्या है, नेक्स्ट ड्रीम क्या है? गार्डन्स वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड. अब ना उसको ये वो इमेजिन करने लगता है, ड्रीम करने लगता है कि गार्डन वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड. मतलब मैजिकल फ्रूट्स, मैजिकल फ्रूट्स मैंने मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैजिकल फ्रूट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एप्पल, उसको मैं बॉल में कन्वर्ट कर दूँ, बॉल को मैं फ्रूट में कन्वर्ट कर दूँ. कहते हैं कि पूरा का पूरा जो गार्डन था वो विद मैजिक फ्रूट से था, कि जो चाहे, मैजिकल क्या होता है, जो चाहे वो करवा लो. सेम चीज, गार्डन वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड. फेयर लेडीज प्रिजेंट इन अ टावर और लॉस्ट इन एन एंचेंटेड बॉल. वो कहते हैं कि फेयर कौन होती है? फेयर होती है परियां. फेयर वहाँ पर एक टावर है जिसमें बहुत सारी परियां क्या हैं, कैद हैं. प्रिजन मीन्स कैद होना, वहाँ पर
कह दें, और लॉस्ट इन एन एन्चेंटेड बाउल. एन्चेंटेड बाउल मीन्स कि अ मैजिकल प्लेजेंट शेडी प्लेस अमंग द ट्रीज, मतलब एक बहुत प्यारा सा मैजिकल प्लेस है जो चारों तरफ से क्या है, ट्री से घिरा हुआ है, शेडी प्लेस है एक तरह से. तो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी क्या है, फेयर लेडीज़ हैं जो प्रिजनर हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे आके खो गई हैं, इस मैजिकल वर्ल्ड में लॉस्ट हो गई हैं. वाइल्ड गैलेंट हॉर्समैन राइड बाय स्ट्रीम्स, गैलेंट हॉर्समैन राइड बाय स्ट्रीम्स दैट बॉर्डर ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम्स, आई फाइंड सो क्लियरली इन माई हार्ट एट सेवन वेन आई गो टू बेड. वाइल्ड गैलेंट मीन्स ब्रेव, बहादुर. वो कहते हैं कि फिर कुछ हॉर्समैन आते हैं वहाँ पे राइड करते हुए बाय द स्ट्रीम. स्ट्रीम क्या होती है, नदी, मतलब नदी का रास्ता पार करके या नदी का जो रास्ता है उसके सहारे से वो वहाँ पर आते हैं. बाय द स्ट्रीम यही होगा कि नदी के, रिवर के रास्ते से वहाँ पर कुछ बहादुर घोड़े पे आते हैं लोग, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर आते हैं, और दो दैट बॉर्डर ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम, उस बॉर्डर पर वो पहुंच जाते हैं जो ये पूरा का पूरा ड्रीम लैंड उसने अपने दिमाग में सोचा था. ये पूरा का पूरा कंप्लीट ड्रीम लैंड है. ये जितने भी हॉर्समैन हैं ये सारे के सारे इस बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं. वो कहता है आई फाइंड सो क्लियरली इन माई हेड, मतलब ये जितनी भी चीज़ें थी उसके माइंड में फेंट नहीं थी, ब्लर नहीं थी, ये बहुत क्लियरली वो चीज़ देख पा रहा था कि परियां हैं, मैजिकल फ्रूट्स हैं, ड्रैगन है, कस्टल है, और मैजिकल फ्रूट का कम्प्लीटली गार्डन है, हॉर्समैन है, स्ट्रीम्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या था वो कम्प्लीटली अपने दिमाग में क्लियरली इमेजिन, उसके फुल ऑफ क्लियरिटी के साथ उसको ये ड्रीम आ रहा था. एट सेवन व्हेन आई गो टू बेड, एट सेवन व्हेन ही वेंट टू बेड. ओके, होप यू क्लियर दिस फर्स्ट स्टैंजा. सेकेंड, एट सेवन व्हेन आई वेक अप अगेन, मीन्स अगर सोए हैं तो जागेंगे भी डेफिनेटली. So he said, when I wake up again, मतलब जब मैं सोया और अब जब मैं जागा हूँ, the magic land I seek in vain. What is the meaning of vain? Means waste. कोई भी चीज़ waste हो गई है. अब वो कहते हैं जैसे ही मैं सो के उठता हूँ, तो जब सो के उठा तो क्या हुआ, reality से उसका क्या हो गया, सामना हो गया. अभी तक तो क्या था, dream में सोया हुआ था, सपने में तो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन अब जब सो के उठता है तो वो सच्चाई देखता है. सच्चाई को देखता है क्या, the magic land I seek in vain, कि जितनी भी मैंने रात को मैजिक लैंड देखी थी वो सारी की सारी वेस्ट हो गई, व्यर्थ हो गई, वेन. अ चेयर स्टैंड वेयर द कास्टल फ्रंट, कहता है जहाँ पर मैंने वो कास्टल देखा था ना, कास्टल देखा था, उसकी जगह पे चेयर रखी हुई है. अ चेयर स्टैंड वेयर द कास्टल फ्रंट, वैसे फ्रंट का मतलब यहाँ ये भी होता है कि लाइक बहुत गुस्से से हम किसी चीज़ों को फील कर रहे होते हैं, तो यही कहता है कि वेयर द कास्टल फ्रंट. यस, वो बहुत गुस्से से इस चीज़ को देख रहा है कि जहाँ कास्टल होना चाहिए था वहाँ चेयर है. द कारपेट हाइड्स अ गार्डन ग्राउंड, कारपेट ने क्या किया, जो उसके रूम में कारपेट है, जब वो सोके उठा है, हमारे घरों में भी कारपेट्स होते हैं ना, अब वो सोके उठते उसको क्या दिखेगा, रियलिटी दिखेगी. रियलिटी में क्या है, कारपेट है. वो कहता है कि जो ग्राउंड था गार्डन का वो कारपेट में छुप गया है. नो फेरीज, कोई फेरीज नहीं थी. नो फेरीज ट्रिप, यहाँ पे तो कोई ट्रिप मीन्स मौज मस्ती, जैसे हम करते हैं ना, मौज मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इस तरह से कहते हैं नो फेरीज, कोई फेरीज नहीं है. अक्रॉस द फ्लोर, फ्लोर पे तो कोई भी फेरीज नहीं, और जबकि उसके सपने में क्या थी, फेरीज थी, जिसको क्या किया हुआ था, प्रिजन किया हुआ था, कैद किया हुआ था. बूट्स एंड बूट्स सॉरी एंड नॉट हॉर्समैन फ्लैंक द डोर, ना कोई हॉर्समैन है, ना ही किसी, ना ही बूट्स है, ना ही हॉर्समैन है. फ्लैंक द डोर, फ्लैंक क्या होता है, लाइक जिसके दोनों तरफ प्लेस हो. फॉर एग्जांपल आपका बीच में बेड है, इधर भी प्लेस है, इधर भी प्लेस है, तो इस तरह का. वहाँ पे तो कोई हॉर्समैन नहीं था, कोई बोट्स नहीं थी. एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपलिंग रैन, और जो वो ब्लू स्ट्रीम, जो स्ट्रीम उसने अपने ड्रीम में इमेजिन की थी, जहाँ से जिसको क्रॉस करके जहाँ से वो हॉर्समैन आ रहे थे, वहाँ पे तो ऐसा उसे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वो जाग चुका है. अब उसको स्ट्रीम की जगह क्या दिख रहा है, इज़ नाउ अ बाथ एंड अ वाटर कैन. अब उसको बाथ और वाटर कैन दिखाई दे रही है इंस्टेंट ऑफ स्ट्रीम्स. आई सीक द मैजिक लैंड इन वेन, कहता है अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मैजिक लैंड है वो क्या है, व्यर्थ हो गई. एट सेवन व्हेन आई वेक अप अगेन, अब मैं जब 7 बजे दोबारा उठता हूँ. तो ये कंप्लीट जो पोएम है क्या है, उसके ड्रीम पर दी. जैसे हम कभी भी सोते हैं तो हम सपने में कुछ भी देखना शुरू कर देते हैं जब हम छोटे होते हैं, फिर हम सोचते हैं आई विश मैं इसे रियलिटी में कर पाऊँ. तो इसी तरह से ये बच्चा है, इसी तरह से इस बच्चे की इमेजिनेशन चल रही थी, माइंड में ड्रीम चल रहा था. तो देखो बच्चों, ड्रीम में और
इमेजिनेशन में यही डिफरेंस है कि इमेजिनेशन हम कॉन्शियसली करते हैं सोच समझ के, ड्रीम हम सोते टाइम करते हैं, तो इस पोएम में हम ड्रीम को यूज़ करेंगे, इमेजिनेशन नहीं, क्योंकि ये सोया हुआ बच्चा दिखाया है, ठीक है, तो ड्रीम को यूज़ करेंगे। ओके, सो होप आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे।